हरियाणा में कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में है। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जींद में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने पुरानी अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। हरियाणा में कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में है। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जींद में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रैली में उमड़ी भीड़ को देखते हुए रणदीप सुरजेवाला ने उत्साहित होते हुए कहा कि जींद की जागरूक जनता अब बीजेपी के बहकाव में नहीं आएगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया और कहा कि 1 अक्टूबर का दिन वोट की चोट से इस भ्रष्टाचारी सरकार से बदला लेने का दिन है। ये दिन युवाओं, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, गरीबों, पिछड़ों, किसानों, कर्मचारियों के बदला लेने का दिन होगा। इस दिन ढोल नगाड़े बजाते हुए बीजेपी सरकार को चलता करना है। पंडित रघुवीर भारद्वाज जी और कांग्रेस पार्टी के साथियों द्वारा बदलाव रैली का जो आयोजन किया गया है, ये संघर्ष का एक ऐसा आगाज है जो वोट की चोट से भाजपा की सरकार को निर्णायक तौर से हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएगा। 10 सालों का भ्रष्टाचार, 10 सालों का आतंक, 10 सालों का भाई भतीजावाद, 10 सालों का किसान का उत्पीड़न, 10 सालों का गरीब का शोषण, 10 वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बदलाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब 10 साल के भेदभाव का जवाब देने का समय आ गया है। बीजेपी सरकार ने हमारे अन्नदाता के साथ 10 साल तक भेदभाव किया। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित, पिछड़ों, गरीबों, मजदूर, कमेरा वर्ग के सभी के साथ भेदभाव हुआ, अब उनका जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता के भय के कारण 20 दिन पहले ही चुनाव करवाए हैं। क्या होगा, इतनी नौकरियां जो है केंद्र में राज्य में खाली पड़ी रहेंगी भाई, पर बननी नहीं, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे हमारा आरक्षित वर्ग, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। और अभी जो भाई रणदीप जी कह रहे हैं, बार बार बहरहाल चुनाव की तारीख आ चुकी है और कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस का भरोसा 4 अक्टूबर को कितना सही साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। जींद से गुलशन चावला, टोटल न्यूज।